वेलकम एवरीवन। और अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, सॉलिड स्टेट, वी आर डिस्कसिंग सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में 10 टॉपिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑलरेडी मैं कंटेंट्स लिख चुका हूँ। वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट टॉपिक, हम लोग कर रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक में क्वेश्चंस मैंने लिखा था, क्वेश्चंस को भी मैंने कैटेगराइज किया था, केस 1 केस 2 3 4 5 6 ऐसे करके पढ़ेंगे। तो केस 1 कंप्लीट कर चुके थे, केस 1 में पोजीशन ऑफ एटम्स इन ए यूनिट से वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पोजीशन ऑफ एन एटम्स, व्हाट आर द डिफरेंट पोजीशंस वेयर द एटम्स आर लोकेटेड इन ए यूनिट सेल्स। तो कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स पे 1/8 ऑफ एन एटम होता है, फेस सेंटर होता है 1/2, बॉडी सेंटर होता है 1, एंड एजेस होता है 1/4। ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं एंड इससे रिलेटेड 1 मार्क्स क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। नेक्स्ट वी विल गो टू द क्वेश्चंस का ही सेकंड केस 2। केस 2 में डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, गिव अ हेडिंग केस 2 एंड यहां ब्रैकेट में लिखना टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। बेसिकली मैंने यहां पे लिखवाया था 0.8 या 0.7 में मैंने लिखवाया था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल एंड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ओके, वहां पे भी पढ़ेंगे यहां पे भी पढ़ेंगे। अब क्या है, यूनिट सेल बेसिकली दो टाइप का होता है, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड, बट उसको अभी नहीं पढ़ना है, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड अभी नहीं पढ़ेंगे, उसको यहाँ पढ़ेंगे। अभी बस बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक्स फॉर्म ऑफ यूनिट सेल कौन कौन से हैं, जो हमें भी नेक्स्ट क्वेश्चंस करने में कंप्लीट जो हेल्प करेंगे तो उसको पढ़ेंगे। तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स जो हमारे सिलेबस में यूनिट सेल्स हैं, वो 4 यूनिट सेल्स हैं। कौन कौन से यूनिट सेल्स हैं, तो फर्स्ट यूनिट सेल इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इन शॉर्ट इट इज रिटन SC, सिंपल क्यूबिक। सेकेंड वन BCC यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। थर्ड वन FCC यूनिट सेल और विच इज ऑल्सो नोन एज CCP यूनिट सेल। FCC का फुल फॉर्म क्या होता है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, विच इज ऑल्सो नोन एज सेंटर क्लोज पैकिंग। एंड लास्ट वन HCP यूनिट सेल, HCP इज हेक्सागनल क्लोज पैकिंग। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल स्टार्ट विद द सिंपल फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो फर्स्ट ड्रॉ अ क्यूब, ये हो गया, विल ड्रॉ अ क्यूब, ये क्यूब हो गया। This is a cube. What is this simple cubic unit cell? These are those unit cells in which atoms are only present at the corners of the cube. Simple cubic unit cell वो unit cell होते हैं जिसमें atoms सिर्फ corners पे present होते हैं। Atoms are present only at the corners of the cube. और corners of a cube पे हमें पता है कितना portion of an atom होता है? तो 1/8. तो total number of atoms for simple cubic unit cell is 1/8 into 8, क्योंकि हर corners पे present है तो into 8 कर देंगे, 8 cancel, means what, for simple cubic unit cell, number of atoms is 1, already बता चुका हूँ, Z is the representation for the number of atoms, okay, in solid state chapter. Second one is BCC unit cell. BCC means body center cubic unit cell, body center, नाम से ही कह रहा है, body center, means what? Atoms body के center पे होगा, हाँ body के center पे होता है, in addition with the corners. तो BCC are those unit cells in which atoms are present at the body center in addition with the corner. Corner पे कितना portion of atom होता है? 1/8 and body के center पे कितना portion of atom होता है? 1. तो for BCC Z equals to 1, 1 for the body center plus 1/8 into 8. क्योंकि टोटल कॉर्नर्स हैं, तो फॉर जेड इक्वल्स टू 2 फॉर बीसीसी। व्हाट इज दिस बीसीसी, दिस आर दोज यूनिट सेल्स इन व्हिच एटम्स आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर इन एडिशन विद द कॉर्नर्स। ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, और इट इज आल्सो रिटन एज सीसीपी, सेंटर क्लोज पैकिंग। ओके, तो फेस सेंटर नाम से क्लियर है, फेस सेंटर मींस व्हाट, दिस आर दोज यूनिट सेल्स इन व्हिच एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर इन एडिशन विद द कॉर्नर्स।
फेस सेंटर वो यूनिट्स होते हैं जिसमें एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर इन एडिशन विद द कॉर्नर्स. ओके, तो पता है फेस के सेंटर पे कितना पोर्शन उतना होता है 1/2, एंड कॉर्नर्स पे कितना पोर्शन उतना होता है 1/8. तो फॉर देम जेड इक्वल्स टू 1/2 इंटू 6 कॉर्नर्स फेसेस होते हैं सॉरी प्लस कॉर्नर्स 1/8 इंटू 8. The portion will be 1, this is for 3, 3 plus 1, z equals to 4. So these are the 3, or I call it HCP. Usko batata hun. So first one is simple cubic unit cell. Simple cubic unit cell are those unit cells in which atoms are present only at the corners of the cube. For them, z equals to 1 aega. Second one is BCC. These are those unit cells in which atoms are present at the body center in addition with the corner. For them z equals to 2. And the third one is FCC, which is also known as CCP. In these unit cells, atoms are present at the face center in addition with the corners, and the total number of atoms for them is z equals to 4. Next one will be HCP. So first isko itna complete karo.